hello dear students welcome to the video today so children you know we are carrying on with this third chapter history where we are talking about nazi germany a germany which was the dream of hitler we started the story with helmut's incident helmut was very scared his father had committed suicide and he felt that now um, he would be also killed by his mother. Father has committed suicide, so he thought that a time would come when nobody would be there to take care of him. He was very scared. Nineteen uh, uh, and. Um, First World War, when we understood the incidents, we have come to know about the Weimar Republic. Weimar Republic, it was uh, the time when Weimar Republic had taken all the steps. Weimar Re Republic had tried to save Germany because after the war got over, the king abdicated. King gaye and that was a very sorry state Bahati Burahua, when the king had to run away and uh, support was with uh, and and, uh, and uh, germany there was treaty of versailles where germany was to pay all the war reparations war this was a very shocking time होल जर्मनी वॉज सीधिंग विंग पूरे जर्मनी में एक गुस्से का माहौल बना हुआ था एंड uh, um, जर्मनी के सारे ऑल द गोल्ड रिजर्व वेर फिनिश्ड जी हियर इट इज मैंशन जर्मनी ने जब पैसे देने से रिफ्यूज किया तो फ्रेंच ने क्या किया जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रूर दैट वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच

जुलाई में वन यू एस डॉलर चिल्ड्रन आई एम टॉकिंग अबाउट वन वन डॉलर की कीमत कितनी थी जुलाई में थ्री लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड मार्क्स ऑगस्ट में फोर्टी सिक्स लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड मार्क्स एंड दिसंबर में नाइन करोड़ एटी एट लाख सिक्सटी थाउजेंड मार्क्स फिगर वॉज रनिंग इन टू ट्रिलियंस द मार्क का वैल्यू जो है इट वॉज कोलैपसिंग प्राइस ऑफ गुड्स वॉज इंक्रीजिंग एंड जर्मनी में इट वॉज अ वेरी कॉमन फीचर एक पीस ब्रेड एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए भी द पीपल वे आर कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड इट वॉज वाइडली पब्लिसाइज पूरी दुनिया में जर्मनी के लिए बहुत सिंपैथी थी देयर वॉज लॉर्ड ऑफ सिंपैथी फॉर जर्मनी and this crisis that was germany was facing this crisis was called as hyperinflation hyperinflation money had lost its value everything price has risen phenomenally high bahut zyada har ek cheez ki keemat gayi thi अमेरिकन्स ने देखा जर्मनी की हालत बहुत खराब है अमेरिका इनको मदद करने के लिए आए एंड दे बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस क्राइसिस इन्होंने इनको बाहर निकाला हाउ डिड दे टेक द जर्मनी आउट ऑफ दिस क्राइसिस इट वॉज थ्रू द डेविस प्लान डेविस प्लान के थ्रू जर्मनी वॉज टेकन आउट ऑफ द क्राइसिस नो बडी वॉज देयर टू हेल्प जर्मनी जर्मनी वॉज फुली आई मीन बैंक करप्ट जर्मनी का पूरा पैसा खत्म हो गया था एंड रीवर्क द टर्म्स ऑफ दे वॉन्टेड टू ईज फाइनेंशियल बर्डन जर्मनी के ऊपर जितना भी फाइनेंशियल बर्डन था उसको थोड़ा कम करना चाहते थे एंड देयर वॉज डिप्रेशन 1924 टू 28 के बीच में देर वॉज सम स्टेबिलिटी कुछ स्टेबिलिटी था लेकिन रेत पे बना हुआ घर था रेत पे बना हुआ घर क्या होता है ढह जाता है ठीक है इट इज इट कोलैप्स वेरी फास्ट जर्मन इन्वेस्टमेंट वॉज देयर इंडस्ट्रियल रिकवरी इट वॉज ऑल डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए यूएसए से जो वो लोन्स ले रहे थे उसी के ऊपर डिपेंडेंट था और ये सपोर्ट खत्म हो गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश

that they had taken the share from the companies, all the companies had gone bankrupt. जिन लोगों ने भी कंपनीज में अपना पैसा लगाया था they wanted the money back. एक दिन में ऑन वन सिंगल डे ट्वेंटी फोर अक्टूबर को क्या हुआ थर्टीन मिलियन shares वेयर सोल्ड एक ही दिन में इतने सारे शेयर बिक गए और यहां से स्टार्टेड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इट वॉज अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन नेक्स्ट थ्री ईयर्स में क्या हुआ नाइनटीन ट्वेंटी नाइन टू थर्टी टू यूएसए का नेशनल इनकम जो है वो आधा हो गया इट फेल बाय हाफ फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन एक्सपोर्ट फेल डाउन फार्मर्स वेयर बैडली हेड फार्मर्स की हालत बहुत खराब हो गई एंड पीपल वेयर बी ड्राॅइंग देयर मनी फ्रॉम द मार्केट मार्केट से वो अपने पैसे खींच रहे थे एंड ये जो रिसेशन हुआ यूएस इकोनॉमी में खाली यूएस में ही आई मीन द प्रॉब्लम वॉज नॉट फेल्ड इन यू एस द ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई जर्मन इकोनॉमी वॉज बर्स्ट जर्मनी में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस टू 40 परसेंट नाइनटीन लेवल से workers have lost their jobs they were they और uh, वेर paid uh, reduced बहुत कम पैसे मिल रहे थे इनको नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हैव रीच्ड बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए थे सिक्स मिलियन अराउंड सड़कों पे जर्मनी के सड़कों पे लोग जो है दे वेर पुटिंग कार्ड्स लगा के बैठे रहते थे रेडी टू डू एनी वर्क कोई भी काम करने के लिए तैयार है सोचो कितनी बुरी हालत होगी पीपल वॉन्ट टू वर्क बट देर इज नो वर्क अनएम्प्लॉयड इतने सारे थे अनएंप्लॉयड यूथ पीपल वे आर प्लेइंग कार्ड सिंपली सैट एट द स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड डेस्परेटली एक लाइन लगा के खड़े थे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काम दे दो काम दे दो काम दे दो जॉब्स वे आर डिजपियरिंग एंड द यंग पीपल द यूथ टूक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज द यूथ वॉट डिड द डू क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे थे हर जगह पे अशांति का माहौल था टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस एवरीबडी वॉज डिससेटिस्फाइड एंड दिस इकोनॉमिक क्राइसिस लोगों के अंदर में बहुत डर था इट क्रिएटेड डीप एंगजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल घबड़ा रहे थे परेशान थे मिडिल क्लास स्पेशली जिनकी सैलरी थी सैलरीड एम्प्लॉय पेंशनर्स इनकी सेविंग जो है वो खत्म होती जा रही थी करेंसी हैड लॉस्ट इट्स वैल्यू करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी रह गई थी स्मॉल बिजनेसमैन सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल रिटेलर्स एवरी वॉज सफरिंग जैसे जैसे बिजनेस खत्म होता जा रहा था बिजनेस गॉट रूइ सबका पैसा खत्म हो गया था एवरीबडीज मनी वॉज फिनिश्ड जॉब देंगे भी कैसे कंपनी में इफ देयर इज अ कंपनी पीपल वांट टू एम्प्लॉय समवन तो जॉब जिसको देंगे वो सैलरी भी तो एक्सपेक्ट करेगा सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है व्हाट विल दे डू दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे वेर फीलिंग द फियर ऑफ जस्ट सी प्लॉलेटेरियनाइजेशन इतना ज्यादा गरीब हो गए कि मालिक से नौकर बन गए सिंपल में समझो प्लीज अंडरस्टैंड अ सिस्टम ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन वेयर द ओनर्स हैव बिकम सर्वेंट्स बहुत ही घबराहट थी लोगों के अंदर एंड एंजाइटी ऑफ बींग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ वर्किंग क्लास इससे भी खराब होने वाला था बॉर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे दे कोड मैनेज टू कीप देअर हैड्स अबब वाटर मतलब पूरा सब कुछ डूब रहा था ना सबको को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो जब समर्कर्स उबे देयर दे मैनेज टू कीप देअर हैड्स अबब वाटर पानी के ऊपर थोड़ा सांस ले पा रहे थे लेकिन अनएम्प्लॉयड पीपल वीक एंड देयर अनएम्प्लॉयड की वजह से बार्गेनिंग पावर खत्म होता जा रहा था बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस बड़ी बड़ी, बड़ी बिजनेस जो थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में थी लार्ज मास ऑफ पीस एंट्री वॉज अफेक्टेड सारे किसानों की हालत बहुत खराब थी शार्प फॉल वॉज देयर इन द एग्रीकल्चरल प्राइजिस हर एक चीज के दाम में बहुत कमी आ गई थी एंड विमेन वर अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टॉमक बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे थे दे वर फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी इनको समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से क्या करें पॉलिटिकली भी वीमर रिपब्लिक वॉज वेरी फ्रेजाइल बहुत ही कमजोर था एज अ रिजल्ट वॉट हैपेन्ड वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी देयर वॉज सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वलनरेबल टू डिक्टेटरशिप मतलब अनस्टेबल था पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज अनस्टेबल कभी भी पार्लियामेंट वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाए एंड एज ए रिजल्ट द कम्प्लीट सिस्टम वॉज टेकन ऑफ पाई अडिक्टेटर एक था प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इतने लोगों में इतने लोग रूल करेंगे ये क्या था मेजॉरिटी वॉज बींग रूल्ड बाय वन पार्टी मेजॉरिटी को एक ही पार्टी रूल करेगी विच वॉज अ नियरली इम्पॉसिबल टास्क एंड देयर वॉज रूल बाय को पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रही थी एन अदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल फोर्टी एट आर्टिकल फोर्टी एट क्या था गिव प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी जब भी प्रेसिडेंट का मन करेगा दे ही कैन इंट्रोड्यूस इमरजेंसी इन द कंट्री सिविल राइट वॉज सस्पेंडेड रूल बाय ड्री Only some people have got the right to rule, rule by the topmost people. And ye ये जो बहुत छोटा सा समय था its short life chote se छोटे से समय में बीमा रिपब्लिक में बीस बार ट्वेंटी डिफरेंट कैबिनेट वेयर देयर टू थर्टी नाइन बीस बार गवर्नमेंट चेंज हुई ट्वेंटी टाइम्स ठीक है शॉर्ट लाइफ में एज अ रिजल्ट लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल फोर्टी एट एवरी टाइम प्रेसिडेंट यूज टू डिजोल्व दसेंबली पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते थे क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज पीपल लॉस्ट द कॉन्फिडेंस लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि अब ये जो है ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है द सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली पीपल हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम और कोई भी नतीजा निकल के नहीं आ रहा था विच सीम्ड टू ऑफर नो सोल्यूशन एंड जब सोल्यूशन नहीं मिल रहा था देन वन पर्सन टुक द एडवांटेज ऑफ दिस कंफ्यूजिंग सिचुएशन एक आदमी ने इस सिचुएशन का पूरा पूरा फायदा उठाया हु वॉज दिस पर्सन ठीक है एंड नाउ वी सी हिटलर कमिंग टू पावर इकोनॉमी में क्राइसिस थी पॉलिटी में क्राइसिस थी सोसाइटी फॉर्म दी बैकग्राउंड टू हिटलर राइज हिटलर जो है पावर में जो आए इसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की थी 1889 में ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी बहुत गरीबी में इन्होंने दिन काटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड ही एनरोल्ड आर्मी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय ही वॉज सर्विंग द आर्मी ही वॉज एन आर्मी पर्सन एंड ही स्टार्टेड पासिंग द मैसेज एक्टेड एज अ मैसेजर इन द फ्रंट आके लोगों को इंस्पायर किया ही बिकेम अरल पूरा पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया एंड ऑन मेडल्स फॉर ब्रेवरी अपनी वीरता के लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले जर्मन डिफीटेड डिफीट जर्मनी जो इतनी बुरी तरह से हार गई थी ना ये इसके वजह से बहुत शौक लगा था हिटलर को जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड वर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स याद है

लोग इनकी बातें मानते थे आंख बंद करके मानते थे एंड ही सब्सिक्वेंटली टू कोवर दर्गेनाइजेशन ही रीनेमडेड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी वर्कर्स पार्टी इन्होंने बना ली इस पार्टी का नाम था दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी

इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी वॉज फेसिंग अ बिग इकोनॉमिक क्राइसिस बर्लिन में ही मार्च एंड ही कैप्चर्ड ऑल दी पावर पूरा पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया पहले तो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए ट्राइड फॉर ट्रीजन की देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर बाद में इनको रिलीज कर दिया गया नाजीज जो है पॉप्युलर दे कुड़ नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉप्युलर सपोर्ट नाइनटीन थर्टीज तक नाजीज को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था पीपल वे आर नॉट ब्लाइंडली सपोर्टिंग द नाजीज लेकिन ग्रेट डिप्रेशन वेट है अभी हमने जो ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस किया द इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट है ड्यूरिंग दैट टाइम नाजीजम बिकेम अ मास मूवमेंट लोगों को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनको इस आ, इस दर्द से निकाल के बाहर लेके आए आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड बिजनेस शट डाउन वर्कर्स लॉस देयर जॉब मिडिल क्लास वाज थ्रेटेंड मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई एंड इस सिचुएशन में नाजी प्रोपगेंडा नाजीज ने अपना पूरा मैसेज सब लोगों तक पहुंचाया नाजी प्रोपगैंडा स्टेड होप्स ऑफ बेटर फ्यूचर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी लेकिन नाजीज नाजिजम जो उन्होंने अपने हाथ में लिया लोगों को लगा कि नहीं अब किस्मत सुधर जाएगी फ्यूचर बन जाएगा 1928 में नाजी पार्टी 2.6 परसेंट वोट आया रिक्सटैग में जर्मन पार्लियामेंट में 28 में उतना वोट नहीं मिले थे दे डि नॉट गेट मच वोट इन 1928 नाजी पार्टी 2.6 परसेंट वोट मिला था लेकिन 1932 तक क्या हुआ इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37 परसेंट वोट्स सबसे बड़ी पार्टी बन गई नाजी पार्टी 37 परसेंट वोट And just see, look at these uh, pictures. How Hitler was popular. Hitler was very popular. Hitler was greeted at the party congress in Nuremberg, 1938. In Nuremberg, mein. and propaganda was there. Specific type of message was there. Propaganda? What was message hota hai. Which was, which was spread amongst the Germans. And the people's views were influenced. The opinion of the people was influenced. Through the use of posters were made. Films were made. Speeches were given. And complete Nazi ideology changed the system. Yeh dekho. Look at the Nazi... Uh, पार्टी मीटिंग्स कैन यू सी दिस मीटिंग पीपल लव्ड हिटलर दे वर रेडी टू गिव देयर लाइव फॉर हिटलर हिटलर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे लुक एट द मीटिंग इस तरह की रैली जो होती थी वे हेल्ड एवरी ईयर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था ना इसका नासी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन देखो वेरियस ऑर्गेनाइजेश आर दे परेडेड पास्ट हिटलर लॉयल्टी की कस्में खाते थे उनकी स्पीचेस सुनते थे जो भी वो स्पीच देना चाहते थे एंड दिस वॉज द सिनारियो एवरीवेयर हर जगह यही सीन था गॉट इट दिस इज वॉट वॉज द नाजी पावर नाजी आइडियोलॉजी इतना पॉपुलर क्यों हो रहे थे वाई द नाजी प्रोपागेंडा वॉज बींग सो पॉपुलर बिकॉज हिटलर वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर वो जो बोलते थे ना वॉट एवर ही यूज टू स्पीक द होल वर्ल्ड यूज टू मूव पूरी दुनिया हिल जाती थी हिज पैशन हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल लोग पूरा तरह से इन्फ्लुएंस हो गए इन्होंने प्रॉमिस किया ही प्रोमिस दैट ही वुड बी बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रांग नेशन बहुत ही एक मजबूत नेशन बनाएंगे ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स में जो कुछ भी गलत हुआ है बिकॉज पीपल वॉन्टेड द बदला आई यू अंडरस्टैंडिंग प्लीज अंडरस्टैंड देर वॉज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट हैड हैपन टू द जर्मस इन द ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स एंड हिटलर सेड मैं इसका बदला लूंगा पीपल यूज टू फील वेरी हैप्पी चलो कोई तो है जिसने हमारी प्रॉब्लम्स को समझा कोई तो है जो इस चीज का बदला लेगा वॉट एवर हैज हैपन इन वर्सेल्स ही वुड ओवरटर्न दैट अन डू द जस्टिस इन जस्टिस ऑफ द वर्सेल्स ट्रीटी री स्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल जर्मन ने जो चीज खो दी है जर्मन्स का जो सम्मान खत्म हो गया है उसको वो रिस्टोर करेंगे ही विल री दैट द पीपल हु आर लुकिंग फॉर देखो लोग काम करना चाह रहे थे ऐसा नहीं है कि बैठ के खाना चाह रहे थे पीपल वॉन्टेड टू वर्क सो ही सेट आई विल गिव यू वर्क ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट किसको अच्छा नहीं लगेगा हु विल नॉट लाइक इट एंड ही सेट आई गिव यू यूर सिक्योर फ्यूचर यंग पीपल एंड ई सेट जितने भी फन लोगों ने द फ्रांस द पीपल हु हैव डन इन जस्टिस टू जर्मनी ही विल टेक रिवेंज ऑफ दैट उन्होंने कहा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं आई विल नॉट लिव एनी वन ऑल द फॉरेन इंफ्लुएंस विल बी डन अवे विद ऑल द फॉरन कॉन्स्पिरसीज अगेंस्ट जर्मनी वुड बी फिनिश्ड हिटलर मेड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एक नया पॉलिटिक्स निकाला इन्होंने ये अंडरस्टूड द ऑफ़ रिचुअल्स एंड स्पेक्टैकल इन मास मोबिलाइजेशन। ही बिलीव्ड इन मास मोबिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करना है मोर एंड मोर पीपल सपोर्ट इज नीडेड विथ जर्मनी रैली लुक एट द डिस पॉवर ऑफ हिटलर हिटलर इज एड्रेसिंग द एसे एंड एस एस कॉलम्स एसे एंड एस एस यस दिस वाज़ द पुलिस ट्रूप्स द स्ट्रेट कॉलम्स ऑफ पीपल एक लाइन में लोग बैठे रहते थे बस जस्ट टू हियर जस्ट टू लिसन टू हिटलर इस तरह के फोटोग्राफ्स इट वॉज इंटेंडेड टू शो द ग्रैंड्योर एंड पावर ऑफ द नाजी मूवमेंट नाजी मूवमेंट का पावर दिखाने के लिए इस तरह के मूवमेंट्स किए जाते थे पब्लिक मीटिंग वॉज देयर टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर हिटलर हिटलर के सपोर्ट के लिए इस तरह की मीटिंग्स होती थी सेंस ऑफ यूनिटी वॉज देयर टू इंस्टिल अमंग द पीपल एकता की बात होती थी रेड बैनर्स लाल रंग के बैनर्स होते थे स्वास्तिक साइन बना होता था नाजी सल्यूट वॉज देयर एंड रिचुअलाइज राउंड ऑफ अ तालियां बजती थी तो पंद्रह पंद्रह मिनट बीस बीस मिनट आधा आधा घंटा तक तालियां बजती थी दैट वॉज द पावर ऑफ हिटलर सो चिल्ड्रेन दिस वॉज ऑल फॉर टूडे हिटलर के बारे में वी विल बी स्टार्टिंग मोर इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट यू